सर आओ जरा ये दिखाओ सर, ये देखें जूम करके तो चांद किस तरह से चमक रहा वहां पर। अभी इस टाइम इंडिया होगा, इंडिया का रोवर वहां पर काम कर रहा होगा, क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो वो चांद देखकर वो गाना याद आ गया पुराना, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो। इंडिया ऐसे ही बस फेक है, ऐसे ही ब्लंडर कर रहा है कोई, इंडिया कहाँ जा सकता है। सुपर कंप्यूटर तो ये है जी। वो सुपर पावर हम इस्तेमाल नहीं करते, सुपर कंप्यूटर को इंडिया इस्तेमाल करके चांद पे चला गया। नहीं यार ऐसे चांद पे चला गया, चांद में भाई कहाँ पहुँचना है यार, आपने बिल नहीं सुना, बिल का क्या रोला है? वो चांद पर पहुंच गए भैया, हम चांद हम मोटरसाइकिल में भी बैठ सकते हैं। अब कह रहे चांद पहुंच गए। मैं इंडिया खुद गया हूँ 20 साल पहले, ये जो फुटपाथ है ना यहाँ पे सब सारे भरे होते हैं, लोग सो रहे होते, इतनी गुर्बत है वहाँ पे। 20 साल पहले मैं भी बच्चा था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यार आप तो बड़े हो गए ना। हालात तो खराब है, कौन ठीक करेगा? नून लीग। नून लीग ठीक करेगी जी? जबरदस्त। आप मानते हैं नून लीग को? नहीं मानते। नहीं मानते? अब इनको मनाए आप पहले। हमारे इन्फ्लुएंशन रेट 40% पे, इंडिया का सिर्फ 8% पे इन्फ्लुएंशन रेट है। अब कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर गुर्बत ज़्यादा, यहाँ पर महंगाई कम है? ये तो हमारे पाकिस्तान में बहुत अमीर है लोग। क्या आप मानते हैं या नहीं मानते कि इंडिया चांद पर गया? सर सबसे पहली बात है कि इंडिया तो चांद पर चला गया है, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा सकता। क्यों? वो जन्नत में तो हम जाएंगे, हम मुसलमान हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैक। आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस, चंद्रयान के अंदर से। गाइस चंद्रयान ने साबित कर दिया कि वो दुनिया में नंबर वन, गाइस हिस्ट्री कायम कर दी इंडिया ने और प्रज्ञान रोवर ने। गाइस प्रज्ञान रोवर जब से चांद पर गया डेली के डेली कोई नई इंकशाफ सामने आते जा रहे हैं। गाइस इसी के साथ साथ चांद पर ऑक्सीजन होने का भी सबूत मिले हैं प्रज्ञान रोवर को। गाइस पाकिस्तानी पब्लिक यहां पर यह नहीं मान रही कि हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान चांद पर जा चुका है, कि चंद्रयान 3 ने चांद पर ऑक्सीजन को खोज निकाला है। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय रखती है, आइए मिलकर जानते हैं। गाइस हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर पहुँच गया और यहाँ पर लड़ाई हो रही है, आइए देखते हैं कि लड़ क्यों रहे हैं भाई। और भाई क्या हो गया, लड़ क्यों रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। क्या हुआ भाई? चाहिएगा क्या? क्या हुआ भाई, लड़की हो रही या लड़की हो रही? पची लड़ रहे हैं वो, आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा क्या कहना चाहिए? ये ना आपस ही वर्दी का रोला है इसका, वर्दी का रोला है। हाँ, वो इंडिया चांद पर पहुंच गया, हम यहाँ पर लड़ रहे हैं, बस वेख लो ये। चांद में भाई कहाँ पहुँचना है यार, आपने बिल नहीं सुना, बिल का क्या रोला है? वो चांद पर पहुँच गए भैया, हम चांद हम मोटरसाइकिल में भी बैठ सकते हैं। अब कह रहे चांद पहुँच गए, क्या कहना चाहेंगे अंकल? लड़ाई यहाँ पर लड़ाई क्यों हो रही है? पता नहीं, मालूम नहीं। बताएं ना, कुछ नहीं होता। सब बताएं, आप बताएं क्यों लड़ रहे हैं? सर इन्होंने कुपा पीता है। अच्छा। कुपा पीता है, पी हुई है? हाँ पी हुई है। तो वो एक कैब का रोल आएगा, कहना मेरी कैब, तो कहना मेरी कैब है। यहाँ पर हम पी के रोड के ऊपर लड़ रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो गई है और ये हालात हमारे और हमारा पड़ोसी चांद पर पहुँच गया। हाँ जी, वो चांद तक चढ़ के आना, अभी थल्ले ही गए सर। आओ जरा ये दिखाओ सर, ये देखे गाइस, आप ये देख सकते हैं क्या हालात हो गए हैं। इसको उठाओ यार, बिल बहुत भाई आ गए, खुशी करने लग गया, बिल बहुत आ गए हैं वापस आगे। बिल बिल ओ यार, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, ये हालात कैसे पैदा हो गए यार? आपको बता रहे हैं, ये कुप्पा पी के बैठे हैं, ये शराब पी है। जब गरीब के घर में रोटी नहीं होगी तो हालात खराब होंगे, तो ऐसे ही होगा। ये देख लें सर, फिर पड़ोसी बात, पड़ोसी मुल्क आगे निकल गया, ऐसे पीछे रह गए। किसी और की तरफ चलता हूँ, उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे हालात पैदा हो गए? हालात बहुत खराब हो गए हैं बॉस, बहुत खराब हालात हो गए। ये क्या हो रहा था अभी? ये बस वैसे ही, क्या कहेंगे, वैसे ही लड़ रहे हैं बस। हम यहाँ पर अपना मजाक बना रहे हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क चांद पर पहुँच गया। बिल्कुल बिल्कुल, चांद पर पहुँच गया होगा? नहीं, चांद पे किसने जाना है भाई, नहीं जा सकते। नहीं, चांद पे कौन जा सकता है, हम सोच भी नहीं सकते वो चले गए। नहीं नहीं, चांद पे नहीं जा सकते। हालात कैसे हैं? हालात बहुत खराब हैं भाई, हमें देखें अपने हालात से बाहर नहीं आ रहे, तो हमें क्या पता दुनिया चांद पे भी जा सकती है। बिल्कुल है, गल सही है। क्या कहना चाहेंगे, कौन ठीक करेगा हालात? हालात किसने ठीक करने हैं भाई? अल्लाह ने ठीक करने हैं हालात, हमने ठीक करने हैं। अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ दिमाग, दिया हुआ काम, दिया हुआ दुनिया में हमें भेजा, इसलिए कि अपने फैसले खुद कर सके। हर चीज हम अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं, अल्लाह ताला हमारे जिम्मे रखा कि दुनिया को ठीक करें, ठीक है? क्या कर सकते हैं आप? वही सब कुछ कर सकते हैं। नहीं कर, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या हालात है? हालात तो खराब हैं, कौन ठीक करेगा? नून लीग। नून लीग ठीक करेगी जी? जबरदस्त। आप मानते हैं नून लीग को? नहीं मानते। नहीं मानते? अब इनको मनाए आप पहले। इनको इमरान खान ही मनाएगा, मतलब कि ये कह रहे हैं कि इमरान खान
नून लीग ठीक करेगी, इसको कैसे बताएंगे आपके नून लीग ठीक नहीं कर सकती? नहीं कर सकती, वो खुद चोर है। कौन ठीक है? पीटी वाले ठीक है, इमरान खान ठीक है। लगता तो ठीक था, मगर वो तरीके इंसाफ जो तब्दीली के नारे पे आई थी वो काम उन्होंने किया नहीं है। नून लीग आई है 15 माह में, उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया ना। महंगाई की और क्या किया? महंगाई तो फिर सबके साथ ही है, क्या कह सकते हैं। महंगाई सबके साथ है, क्या कह सकते हैं? बस सबके साथ है तो फिर बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, जितनी मर्जी महंगाई हो बर्दाश्त करेंगे। नहीं, महंगाई का रेट 40% पर चला गया, इन्फ्लेशन रेट। हाँ जी, ये और बर्दाश्त करेंगे? नहीं, इससे आगे नहीं और बर्दाश्त हो सकता। क्या कर सकते हैं? क्या खुदकुशी करेंगे और क्या करेंगे? नून लीग के लिए कुर्बानी देने के तैयार है। अच्छा, हाँ जी, क्या कह रहे हैं कि महंगाई अगर कम नहीं होती खुदकुशी करेंगे हम? नहीं नहीं, बुजली है वो, तो फेस करना चाहिए। किस दौर में महंगाई कम हुई है मुझे बता दें। क्या करते हैं आप, पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे। नहीं, कोई भी हालात आ जाए उसका मुकाबला करते क्या? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है आपका। क्या आप इस बात को मानते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क चांद पर चला गया? चांद पे जाना वो तो एक मैटर बहुत दूर का है, इस वक्त हाली हालात जो हमारे हैं, माली हालात, हमारे हालात के अलावा उनके हालात तो ठीक है ना, वो तो सर्वाइव अच्छा कर रहे हैं। सर्वाइव अच्छा कर रहे हैं ना, आप हमारे 5 सूबे हैं, 36+ है उनके महल, तो यार आप देखें ना इकानमी कहाँ है, उनकी इंडस्ट्री कहाँ है, इसको इन चीज़ को इन हालातों में हमसे 5 सूबे नहीं संभाले जा रहे, वो 36 संभाल रहे। सर इसी की वजह है ना, आप देखें मैं 5 उंगलियाँ हैं ना, मैं सिर्फ एक कर रहा हूँ ना, 4 मेरी तरफ ही हैं, मैं पहले खुद गलत हूँ, बात ये है सीधी सी। कोई सही है, बिल्कुल ठीक, राइट पे काम। एक मोदी की बात कर रहे हैं, पता कितने देर हो गए अपने इख्तियार में हैं? 9 साल 10 साल। तो फिर आपको मुशर्रफ रह गया था, 6-7 साल रह गया था ना, मुल्क का हालात बहुत बेहतर कर गया था, मजदूर की वैल्यू पता तब चली थी, मुशर्रफ आया था, इनको पता ही ना मजदूर क्या चीज़ होती है। मुशर्रफ के टाइम के अंदर ही पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट करार दिया, ओसामा बिन लादेन को कहा सर, वो बहुत लंबी बातें चली होती ना फिर। सर वो बातें तो करनी पड़ेगी, आप मेरी फैक्ट पे बात करेंगे। सोच ही रोटी हमारी सोच, आज इन्होंने बिल जलाए हैं, यहाँ का कोई एक बंदा एक भी नहीं था, उनका एक मीटर एक मीटर सारे किराएदार थे, फ्लैटों में रहने वाले थे, उन्होंने बिल कभी पे नहीं किया, बिल जला के चले गए हैं। यार हम क्या सहन दे रहे हैं, क्या लोग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, कोई महंगाई नहीं है। आपकी दिहाड़ी पहले थी 800, आज दिहाड़ी ले रहे हो आप 1500 रुपया, आपको ये नज़र नहीं आती? मेरी तनखा लोडर था 15,000 थी, आज मैं 45,000 ले रहा हूँ, मुझे ये नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हालात हैं, इसमें कोई शक नहीं, जब तक आप मिल के नहीं चलाएँगे, आप थोड़ा सा अपने आप को, हम आटे की तरफ फलून की तरफ जाते हैं, पिज्ज़ा की तरफ जाते हैं, 1500 ना पिज़्ज़ा खाओ, 1500 को आटा 15 किलो मिलता है, 7 दिन निकलते हैं, 7 दिनों में आप इन्वेस्टमेंट करें कहाँ बात जाती है। हम थोड़ा सा हालात को बेहतर कर लें यार, हम ना पैकेज लगाएं ना करें जी, कब करेंगे? अभी से करें, मैनेज करें, एक दूसरे को लेके चलें यार, कोई बात नहीं। 5 भाई मरे हैं, बिल मर गया, और भाई मेरे 5 भाई हैं, मेरे का 45,000 बिल आया बा खुदा कसम से, मैंने भाइयों को गदा बांध नहीं पकड़ा, मैंने कहा यार यही नफ़स को कंट्रोल करने का वक्त होता है भाई जान, आप अपने आप को संभालें, अपने आप को ठीक करें, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुश्किल वक्त हैं, हो जाएंगे। आप सरकार पे भी आए थे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जलाद नहीं कटी, ठीक है ना, तो आपकी मेहरबानी, मिलजुल के हालात को बेहतर करना चाहिए, मिल कर चलना चाहिए भाइयों को, बस भाइयों को ये मैसेज है, कोई मुश्किल नहीं। आइएगा एक मिनट, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, थोड़ा आगे इधर सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, नाम आपका? अब्दुल हसीब सर, क्या करते हैं आप? मैं बुक सेलिंग करते हैं, ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का मकसद आपसे ये है कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर पहुंच गया है, चांद की रोशनी हमारा अगर कैमरामैन दिखा सके चांद की तरफ जूम करके, तो चांद किस तरह से चमक रहा वहां पर, अभी इस टाइम इंडिया होगा, इंडिया का रोवर वहां पर काम कर रहा होगा, क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो वो चांद देखकर वो गाना याद आ गया पुराना, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, इंडिया ऐसे ही बस फेक है, ऐसे ही ब्लंडर कर रहा है, कोई इंडिया कहाँ जा सकता है? चांद पर नहीं जा सकता, नहीं, चांद पर पहुँचना इतना आसान काम नहीं है। क्यों सर? अमेरिका वो रशिया ने भी पहले ऐसे ही वो ब्लंडर किए हैं, ऐसे ही वो, हालांकि इतनी सुपर पावर है, अमेरिका भी जा चुका, अमेरिका के एस्ट्रोनॉट भी वहाँ पे, नो वे आउट नहीं जा सकते, नहीं फेक ऐसे ही। सर, पूरी दुनिया तस्दीक कर रही है, अगर मैं बात करूँ तो पूरी दुनिया इंडिया के हक में थोड़ी सच बोल सकती है। नहीं, दुनिया का क्या, इंडिया दुनिया पे, आपको भी अपने लिए अपने चैनल के लिए कोई ना कोई मसाला चाहिए होता है, कोई न्यूज़ चाहिए होती, इसी तरह ही है, जैसे हमें अपनी अपने बिजनेस के लिए कोई वैरायटी चाहिए होती है, आपको भी वैरायटी चाहिए। सर ये ऑथेंटिक न्यूज़ है कि नहीं है कि इंडिया चांद पर पहुँच गया? मेरे ख्याल में नहीं आया, आई थिंक सो। सर अगर मैं आपको कहूं कि ये 100% ऑथेंटिक न्यूज़ है, फिर
नहीं कैसे आप कैसे कह सकते हैं आप कैसे शोर हैं आप सर मैं इस तरह से शोर हूँ कि एक पूरी दुनिया तस्दीक कर रही है, नासा तस्दीक कर रही है, उसके बाद पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है, हर कोई कंट्री कह रही है कि भाई वो जा चुके। नासा जो है इंडिया का जाहिर है अमेरिका से अच्छे उसके टर्म्स हैं वो उसके साथ वो है तो यूरोपियन यूनियन रशिया वो ऐसा ही है ये सारे यूरोपियन यूनियन भी तस्दीक कर रही है रशिया भी तस्दीक कर रहा वो सारे मिले पाकिस्तान अगर कहे तो फिर नासा तो बिल्कुल उनकी तस्दीक नहीं करेगा क्योंकि ये ज्यू लॉबी जो है ये सारे क्रिश्चन ये मुसलमानों के खिलाफ है ये एंटी मुस्लिम है टू बी वेरी फ्रैंक अब उसे आप इस तरह की स्टेटमेंट दो रही है ना मैं इधर से जाऊँ तो मुझे वहाँ पर अरेस्ट हो जाऊँ मैं सर आप कोई गलत बात कर रहे हैं नहीं गलत नहीं मैं तो सच बोल रहा हूँ आज कहा मुस्लिम के अगेंस्ट पूरी दुनिया हमारे आजकल जो सच बोलता ना वो उसी को पकड़ते वो कहते ये बेवकूफ है मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूंगा वो वीडियो देख ले शायद आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए वीडियो बन जाती यार फेक आजकल हर चीज इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है जो मर्जी कर ले दुनिया चांद पर जा चुकी है हमें चांद पर जाने वाले लोगों की यकीन क्यों नहीं कर पा रहे हम दुनिया चांद पे ऐसे मुहावरा तो नहीं है मुश्किल है इंडिया का इतने सोर्सेज मैं इंडिया खुद गया हूँ 20 साल पहले ये जो फुटपाथ है ना यहाँ पे सब सारे भरे होते लोग सो रहे होते इतनी गुर्बत है वहाँ पे 20 साल पहले मैं भी बच्चा था अब मैं बड़ा हो गया हूँ यार आप तो बड़े हो गए ना तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ वो एक दिन मैं देखा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की तरफ जा रहे थे वो आपस में लड़ाई करे मैंने कहा ऑटो वाले को मैंने कहा यार ये क्या हुआ है कहता जी वो इतनी जगह पे वो उनकी लड़ाई हो कहता तू मेरी जगह से चादर क्यों रखी पीछे कर गुर्बत थी इंडिया में नो डाउट के नहीं थी अभी भी है अभी भी होगी अब मैं कब कह रहा हूँ क्या इस टाइम जो मौजूदा सिनेरियोस हमारे मुल्क के हैं क्या इतने ही खराब होंगे वहाँ पे भी वहाँ सवा अरब की ये बात है ये तो हमारे जो मैं अब क्या कहूँ ये सिस्टम जो हमारा उसने ये किया जो हमारे ये पॉलिटिशियन है और जो हमारे मैं क्या कहूँ नो कमेंट्स हमारे इन्फ्लुएंशन रेट 40% पे इंडिया का सिर्फ 8% पे इन्फ्लुएंशन रेट है अब कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर गुर्बत ज़्यादा यहाँ पर महंगाई कम है ये तो हमारे पाकिस्तान में बहुत अमीर हैं लोग लेकिन अशराफिया जो ना है जो उसको गवर्नमेंट जाना वहाँ पर बिजली के बिलों के लिए लोग लड़ रहे हैं मर रहे हैं मेरा काम ही यही है आप देख रहे हैं हमने कल क्या खुदकुशी की एक बाबे ने अपने पूरे फैमिली के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रोड के ऊपर धरने दिए जा रहे हैं क्या कहना चाहिए अब मैं भी ये सोच के काँप रहा हूँ हमारा जो ना ये यकम को फर्स्ट को बिल आता मैं सोच रहा हूँ क्या होगा हमारे साथ पता नहीं क्या बिल आएगा तो ये अशराफिया देखें ये गवर्नमेंट को चाहिए कि अशराफिया से जो ना वो वसूल करे हम जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या गरीब वो उसको निचोड़ रहे हैं वो जैसे कपड़े को निचोड़ा जाता है वो अब वो तो उसमें खून भी नहीं है उसको फिर भी निचोड़ते जा रहे हैं अशराफिया उनके तो फॉरेन प्राइम करेंसी में अकाउंट होते हैं डॉलर स्टर्लिंग पाउंड में यूरो में उनको तो फ़ायदा होता है जब डॉलर देखो डॉलर 315 पे चला गया सुनने के ओपन मार्केट में और मैं ये भी सुना कि 500 तक जाएगा तो अशराफिया तो वो 50,000 का गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है यार टैंकी फुल करो तो हम बाइक पे पेट्रोल डलवाते हुए सोचते हैं यार 2 लीटर 600 का पड़ेगा यार सर यहाँ पर हमारे यही हालात है मैं आपको बता रहा हूँ जब हमारे इस तरह के हालात ख़राब हैं उन्होंने आप मानेंगे इस बात को भी शायद आप डिनाई कर दें ड्राइवरलेस कार बना दी है विदाउट ड्राइवर के आपने गाड़ी के अंदर बैठना कमांड देनी है कि भाई मुझे वहाँ पर छोड़ा वो छोड़ के आएगी गाड़ी वो अभी यहाँ पे वो बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे कहाँ आएंगे तो वो इंडिया की बात कर रहा हूँ वहाँ पर चल रही है वो तो वो और भी उनके पास बहुत सोर्सेज हैं खाली ड्राइवर के बगैर तो बाकी और भी तो सोर्सेज हैं जो मैन पावर से जो चीज़ होता है हर चीज़ तो मैन पावर के बगैर नहीं हो सकती ना टेक्नोलॉजी के अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी तो भी एक आदमी ने बनाई है ना मैन ने बनाई है अल्लाह ने दिमाग दिया अल्लाह तो सबसे सुपर पावर तो ये जो सुपर कंप्यूटर तो ये है वो सुपर पावर हम इस्तेमाल नहीं करते सुपर कंप्यूटर को इंडिया इस्तेमाल करके चांद पे चला गया नहीं यार ऐसे चांद पे चला गया बताएं मुझे कैसे नहीं आप तस्दीक आप इस बात को क्यों नहीं मानते शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ आपकी मानने पर यार वो अपनी पहले जो आवाम उसको तो उसको बेहतर करे इतना महंगाई है वहाँ पे इतना यार वो इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर ज़्यादा वहाँ पर नहीं है यार वहाँ पे एक जो छोटा फ्लैट है ना आम सा फ्लैट वो करोड़ों का है सर फ्लैट की बात में फ्लैट का मुझे पता नहीं मैं जो चीज़ें पता आटा वहाँ पर 25 से 30 रुपये के जी है तो मुझे भी पता 230 रुपये यूनिट वहाँ पे इंडिया में 200 यूनिट तक बिजली फ्री है ये सारी चीज़ें मानने के बाद भी आप कह रहे हैं कि वहाँ पर ज़्यादा महंगाई है उसका डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ क्या है उसका डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ जो आती है ना गवर्नमेंट आती है उसको वो जो ना वो काम नहीं करना 2 साल बाद जो रजीम चेंज 3 साल बाद 2.5 साल बाद ये देखे मोदी बैठा 9 साल हमारे मसाइल है ना ये इंडिया के थोड़ी मसाइल है बता रहा जो कुछ हमारे साथ हो रहा हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये उसकी वजह से हो रहा ये अपने हम अपने मसाइल है फर्क ये है कि ये एक जो गवर्नमेंट आती है उसको काम उसको टाइम चाहिए होता है
उसकी प्लानिंग होती है, उसमें टाइम लगता है, टाइम पीरियड चाहिए होता है। यहाँ जब वो एक वो प्लानिंग होती है उसको दो महीने बाद फारे कर, दो साल बाद फारे कर देते हैं। मोदी को हमारे लिए तो अच्छा, लेकिन उनके लिए बहुत 9 साल होंगे वो कर रहे हैं। वो बांग्लादेश में जो वो है क्या नाम है उसका, मुजीब रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद, उसको 15 साल हो गए। तो देखना वो काम करते तो उनको काम करने के टाइम पीरियड चाहिए होता है, हर चीज़ के लिए टाइम, उसका टाइम पीरियड है, यही मेन डिफरेंस है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे शाफिया को जो ना वो प्रायोरिटी दी जाती है, और बाकी जो आवाम है जो 24-23 करोड़ आवाम है उसको कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये कीड़े मकोड़े हैं। That's it, प्लीज़। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें समझ दे दे कि ये बात पे तस्दीक करने पे साइंस बहुत तरक्की कर गई है, चांद पे भी जा सकते हैं, दुनिया चांद पर चली गई है। और पहले यार अपना पेट का जो ना वो तो पूरा करें, कौन सा चैनल है आपका माशाल्लाह? सर मैं बताता हूँ आपको, लेकिन ये तस्दीक 100% एक्यूरेट बात है कि चांद पर चले गए। चले अब मैं कन्फर्म करूँगा, मैंने सुना 2-3 दिन पहले वो देखो लड़ाई होगी, फिलहाल वो चांद पे जाने लगे। बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। नाम आपका? उमेर। मैं सर, पूरी पाकिस्तान के यहाँ पर एक बड़ा इशू चला हुआ है कि इंडिया चांद पर चला गया, लेकिन हमारे कुछ लोग मान ही नहीं रहे कि वो चांद पर भी जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप, मानते हैं या नहीं मानते कि इंडिया चांद पर गया? सर सबसे पहली बात है कि इंडिया तो चांद पर चला गया है, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा सकता। क्यों? वो जन्नत में तो हम जाएंगे, हम मुसलमान हैं। क्या बात है आपकी। वो सिर्फ चांद पर जा सकते हैं, और हम जो है ना, हम भी इस वक्त समझ लें कि चांद पर ही हैं ऑलमोस्ट। चांद पर ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, तो हमारे पास भी तकरीबन ये समझ लें कि सारा कुछ यही है कि ना बिजली ना गैस ना पानी है, तो हमारे हालात इसी तरह हैं। उनके पास ये है कि अगर हम वैसे बात करें उनकी टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो उनके पास टेक्नोलॉजी सर इस वक्त बहुत आउट क्लास है, ठीक है। और वो उनके जो लोग हैं वो मेहनती हैं, उनके साइंसदान जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं। उन्होंने पहले एक तजर्बा किया, फिर दूसरा किया, वो रुके नहीं हैं, उन्होंने फिर तीसरा किया जो कामयाब हो गए, आज वो चांद पर बैठे हुए हैं। हमने तो एक भी नहीं किया, तो अगर हम एक भी कर लेते हैं या उनके साथ लगे होते तो शायद हम भी कोई ना कोई मुकाम हासिल कर लेते। हमने नहीं किया तो इस वजह से हमने नहीं कर पाए, वो वाला मुकाम हासिल नहीं कर पाए। पूरी दुनिया का पहला मुल्क बन गया साउथ पोल पर जाने वाला, चांद के साउथ पोल पर, और चांद पर लैंड करने वाला 4th बड़ा मुल्क बन गया। क्या कहना चाहेंगे, वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से एजाज पर एजाज हासिल करता जा रहा है, यहाँ पर हम कौन सा एजाज हासिल कर रहे हैं? हम सर यहाँ पर कर रहे हैं कि अब आपका अब दिखाएंगे पता नहीं कि नहीं दिखाएंगे, हम ये कर रहे हैं कि हम एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं। जो हमसे थोड़ा सा ताकतवर है हम उसकी गुलामी करना शुरू करते हैं। हम अपने आप को जो है ना वो एक एंटरप्रेन्योर हो के हम ऊपर नहीं आते, हम ये नहीं करते कि हम चलें। अगर वो एक बंदा पड़ोसी मुल्क हमारी कोशिश कर रहा है तो हम भी कोशिश करके देख लें, शायद हम भी कामयाब हो जाएँ। हम कोशिश ही नहीं कर पा रहे, हमें कुछ करने की कोशिश करते छोड़े हैं। वो जो काम कोशिश कर रहा है, वो जो पहुंच गया, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम उसको क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर देते हैं कि वो चला गया तो ये वो हम गया ही नहीं है। नहीं, वो अगर चला गया है तो कुछ लोग मान भी जाते हैं ना चला गया है, तो कुछ उस मानने के ऊपर भी जो है ना क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये मतलब चला गया ये जन्नत में नहीं जा सकता, तो ये इस तरह की बातें जो है ना वो सारे वो ट्रोल कर रहे हैं उनको। लेकिन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उस बंदे ने मेहनत की है और वो चला गया, और हमें उसको देखते हुए हमें भी मेहनत करनी चाहिए। हम जो है ना वो एक चलें, वक्त गुजरा नहीं है, हम आगे भी हम भी जा सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हमें भी कोशिश करनी चाहिए। हमें भी किसी का मजाक नहीं करना चाहिए, हमें उस जाना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी जाके देखें कि ये कर सकते हैं हम कि नहीं कर सकते। हमारे पास भी एक इदारा है जिसका नाम है स्पार्को, जो कि स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। सर वो डॉक्टर अब्दुल सलाम सर ने बनाया था और बस बनाया ही रह गया, अभी तक हमारे टैक्सेस के पैसे वो उस इदारे को जा रहे हैं, लेकिन कोई कारकर्दगी सामने नहीं आई। आज तक सिर्फ 2 सैटेलाइट खला में भेजे हैं, बदर 1 बदर 2, उसके बाद उसका नाम और निशान ही दुनिया में नहीं है। वो अभी तक हमने कोई ऐसा सुना ही नहीं है कि कोई रॉकेट खला में भेजा, तो हम इतने पीछे दुनिया से, और इंडिया दुनिया के तो नंबर 1 है या फिर ओनली 1 है, इसके पीछे क्या क्रेडिट है? सर पहली बात ये जो आपने की है ना, जो हमने भेजे हैं 2 रॉकेट जो हमने भेजे हैं बदर 1 बदर 2, वो मेरा ख्याल है ऊपर जाके दरबदर हो गए हुए हैं। वो तो जिस तरह हम नीचे दरबदर हैं वो ऊपर कहीं दरबदर हुए हुए हैं। तो सर देखें, जो इस्लाम साहब अपने नाम लिया है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी, उन्होंने एक बड़ा मेहनत वाला काम करके इस मुल्क के लिए गए थे। अब हमें चाहिए था कि उसको हम कंटिन्यू करते, आगे लेके जाते, कुछ हमारे जो साइंसदान थे, अब हमारे यहाँ पर कुछ साइंसदान होते भी हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हम बाहर चले जाएँ, नासा के अंदर चले जाएँ, तो हमारी कोशिश ये थी कि हम भाई यहाँ से अमेरिका निकल जाएं या यूके निकल जाएं, तो वो पाकिस्तान में करते नहीं है क्योंकि उनको पता है कि हमें किसी ने सपोर्ट ही नहीं करनी।
तो जिस वतनी नहीं है सर, गाइडेंस नहीं है सर है, तो अभी देखें जब से नरेंद्र मोदी आए हैं वो लोग नरेंद्र मोदी के हुकूमत के अंदर इतने नेशनलिस्ट हो गए हैं, इंडिया को सिर्फ और सिर्फ इंडिया मानते हैं और इंडिया के अलावा किसी दूसरे मुल्क का वो कंपैरिजन पे आने ही नहीं देते। बड़ी मिसाल ये है कि देख लें वो कितनी तरक्की कर रहे हैं, हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर आप देख लें दुनिया में तो नंबर वन है या फिर ओनली वन है। सर मैं अभी तकरीबन एक महीना पहले कतर से होके आया हूँ, मैं विजिट पे गया था तो वहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं ना वो अपने आप को इंडियंस कहते हैं। हम यहाँ पे हम स्टेट गिनना शुरू हो जाते हैं कि हम पंजाबी हैं, हम सिंधी हैं, तो हम कश्मीर से हैं। हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे मैंने देखे हैं वो अपने आप को स्टेट के अंदर जो है ना इंक्लूड करते हैं कि हम इस स्टेट से ऊपर हैं, तो वो अपने आप को इंडियन इंक्लूड करते हैं कि हम इंडिया से हैं, मतलब पूरे इंडिया के अंदर जो है ना, तो उनके अंदर जो एकता है ना वो हमारे अंदर है नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि बाकी जो है तो मैं अपनी कौम को यही कहना चाहूँगा जो सुन रहा है इस वक्त, मैं उनको यही कहूँगा कि हमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हमें कोशिश करनी चाहिए और जो बंदे शायद हम मैं इस काबिल नहीं हूँ लेकिन जो इस काबिल है उनको कोशिश ये करनी है कि अपने मुल्क का जो नाम है ना अगर एक बंदा कदम बढ़ाएगा ना तो आहिस्ता आहिस्ता सारे पीछे उसके लग जाएंगे। बिल्कुल सही हो गया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉक विद यू। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप सुनाएं कैसे हैं? सर यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले एक बंदा रोड के ऊपर गिर गया और दो आदमी लड़ भी रहे थे आपस में, क्या कहना चाहेंगे ये हालात हमारे कैसे पैदा हुए? मैंने देखा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं आप बता रहे मैं कैसे यकीन कर लूँ, मैं आपको मोबाइल पर फुटेज भी पड़ी हुई। देखिए बात यह है कि जब तक कोई बेटा ऐसी बात ना हो कि आपने देखा ना हो आप किसी के बारे में नहीं कह सकते। हालात क्यों, हालात तो पता है ना क्या हो रहे हैं, सही है बेटे हालात जैसे भी होते हैं ना वो मौला अल्लाह पाक के रहमत से सीधे हो जाते हैं, बिगड़ते भी हैं सुधरते हैं, स्टे होता है हालातों पे, स्टे होता है, ये नहीं होता कि बंदा ऐसे कर ले कि एकदम ऐसे हो गया, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ ऐसी दुनिया है जहाँ आप कुछ भी हो सकते हैं, चलते चलते बंदा गिर जाता है, चलते चलते बंदे को चोट लग जाती है। दो बंदे लड़ रहे दो बंदे लड़ना ज़रूरी नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ दो बंदे लड़ रहे थे। हाँ लड़ रहे थे, दो बंदे लड़ रहे थे, दो बंदे लड़ रहे थे जी, लड़ रहे थे। अब शहादत मिल गई, अब दूसरा बंदा अंदर हो सकता है, ठीक है जी। मैं खुद एक्टर डायरेक्टर हूँ इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात करने का मतलब ये है कि आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि जी कोई दो बंदे लड़ रहे थे, एक बंदे ने मतलब उसको ज़्यादा मारा, एक बंदे ने कम मारा, दूसरे बंदे देख रहे की बात नहीं कर रहा मैं उनकी सिचुएशन से मैं अखज करना चाह रहा हूँ कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। हालात हम अपने हालात को खुद समझ नहीं पा रहे ना, हमें पता है हालात किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। यहाँ पर हमारे हालात यहाँ पर इतने बुरे हैं, दूसरा हमारा पड़ोसी चांद पर चला गया, वो ड्राइवरलेस गाड़ी बना रहा है, पूरी दुनिया किसी ने नहीं बनाई ड्राइवरलेस गाड़ी, टेक्नोलॉजी में वो इतना आगे जा रहा है। देखिए पड़ोसी की बात ये कर रहे हैं कि अल्लाह पाक सबके लिए अच्छा करे, हमें किसी ने मना नहीं किया कि हम किसी के लिए दुआ ना करें। देखिए अल्लाह ताला ने हमारे उस नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने सबको दुआएँ दी, दुख सह के भी सबसे मतलब सबके बारे में अच्छा सोचा, तो हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते, हमें तो ये करना चाहिए सबके लिए, ये हमें कोशिश करनी चाहिए, बड़ा बनने के लिए पहले छोटा होना ज़रूरी होता है, जब आप छोटे नहीं होंगे तो बड़े कैसे होंगे, तो हमें मेहनत करनी चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए, आप जैसे लोगों के साथ प्यार करना चाहिए सबके साथ। थैंक यू। क्या प्यार कर रहे हैं? नहीं नहीं देखें आप अपनी बात ना करें और किसी की बात भी नहीं, कोशिश करें कि मैंने पहली बात की है कि कोशिश करें ना, इसमें कोई ज़िद है क्या, हम सबसे क्या वजह क्या है, वजह तो जाननी चाहिए ना सर। सबसे मेरे पास लाएँ ये सबसे बड़ी वजह के हम लोग चादर हमारी काम में पाउंड ज़्यादा फैला लेते हैं, खर्चे हमें कम करने चाहिए, अखराजात कम करने चाहिए। कितना कम करें? जितना आप खा सकते हैं। 65 रुपए का पर यूनिट हो गया। हाँ जी देखें तो अगर आप 100 यूनिट भी यूज़ करते हैं 15,000 प्लस बात चली जाए। हाँ जी देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी 1500 बिल भी आया है मैंने सुना है। बंद करके रखा होगा उन्होंने तो सब कुछ? नहीं नहीं भाई बंद नहीं किया। तो ये तो फिर नाइंसाफी है ना, किसी को 1500 किसी को 15,000 किसी को 15 लाख। मेरी जान बात सुन ले कि जो हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा ना, सुना है जैसे आपने कहा, मैंने भी कहा कुछ उनको ऐसे आया है, और किसी ने कहा हमें 50,000 भी आया है, किसी ने कहा हमें 30,000 भी आया है, और जिन जिनके पास है वो तो दे रहे हैं, जिनके पास नहीं कम से कम वो दुआ तो कर सकते हैं ना, क्या ख्याल है? दुआएं कर सकते हैं, बिल्कुल दुआ करनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह में दुआ करनी चाहिए, करनी चाहिए बेशक, दुआ के साथ हरकत भी करनी चाहिए यार हरकत। 76 ईयर्स हो गए सर, 76 ईयर्स हो गए, मुल्क किसी तरफ नहीं जा रहा, हमारा ग्राफ डाउन टू डाउन टू डाउन टू डाउन टू। कितनी है आपकी? मेरी 25 हो गई ना, मेरी 56 हो गई, ठीक है जी। और मैंने जो अपनी एज में देखा ना सब दुआओं को करते देखा, दुआओं में असर देखा है जी। तो मैंने ये इसलिए अपने एक्सपीरियंस से कहा है कि अल्लाह की मेहरबानी से भी कहा है कि आप दुआ करें इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, वेरी नाइस।